पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक भाजपा के नेता को फोन पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। अलग अलग नंबर से मिलने वाली धमकी की जानकारी भाजपा नेता ने पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। 3 दिन से मिलने वाली धमकी से परेशान होकर पीड़ित ने अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र का, जहां पर 2017 के इलेक्शन में भाजपा से टिकट के दावेदार रहे बाबा संजीव आकांक्षी को अलग अलग नंबर से फोन पर धमकी मिल रही है। लगातार 3 दिनों से मिलने वाली धमकी से परेशान होकर अब पीड़ित भाजपा नेता ने पुलिस से शिकायत की है। भाजपा नेता का कहना है कि लगातार फोन पर अभद्रता की जा रही है और धमकी दी जा रही है। पीड़ित भाजपा नेता बाबा संजीव आकांक्षी का कहना है कि फोन उठाते ही गालियां दी जा रही हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस से शिकायत करने के बाद कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि 2017 में भाजपा से देहात विधानसभा के टिकट के दावेदार रहे थे, साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में नाम शामिल है। बाबा संजीव आकांक्षी संस्कार भारती में साहित्य विभाग के संयुक्त महामंत्री के पद पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 5-6 दिन पहले भी एक फोन आया और उन्होंने जानकारी मांगी, मैंने दे दी उन्हें। उसके बाद कल मैं गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था, 11 बजे के आसपास से फोन आने शुरू हुए और लगातार फोन पर तरह तरह के नाम लेके इनसे बात करा दीजिए, उनसे ऐसे नाम जिनसे मैं वाकिफ नहीं हूँ कि उनसे बात करा दीजिए। मैंने कहा कि इस नामों से मेरा कोई परिचय नहीं है। बावजूद इसके लगातार मुझे फोन किए जा रहे हैं, खराब भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, गंदी गालियां दी जा रही हैं जो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, और ऐसा सुनकर के बड़ी पीड़ा होती है। ना ऐसा भाषा प्रयोग करने की आदी है, ना सुनने की आदी है। दूसरे एक नंबर मैंने वो ब्लॉक कर दिया, उसने मुझसे कहा कि एक नंबर ब्लॉक कर देगा तो मैं दूसरे नंबर से करूंगा, तीसरे से करूंगा। कल गाड़ी चलाते चलाते वो 5-6 नंबर हमने ब्लॉक किए, इसके बावजूद लगातार फोन आते रहे। उसके बाद शाम को भी ब्लैंक कॉल आई, 3 बार एक नंबर से फोन आया, वो नंबर नहीं उससे नहीं हुआ। आज भी सुबह ही सुबह उसने फिर गलत बातें करी मुझसे, गंदी गालियां दी, गलत भाषा का प्रयोग करा। लगातार मुझे धमकी दी जा रही है, टॉर्चर करा जा रहा है। मैं मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा इससे परेशान हूँ और मैं पुलिस में इसकी कंप्लेंट कर रहा हूं। हालांकि मैंने 1-2 कॉल उनकी रिकॉर्ड भी कर ली हैं, बराबर मुझे इस संदर्भ में परेशान करा जा रहा है। कौन लोग हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि समझ है कि मुझसे वो बात करते हैं कि एक नाम लेकर के कि इसने कभी लोन लिया था और आप इसमें आपका नाम है। तो मैंने पूछा अगर किसी ने लोन लिया है और मेरा नाम उसमें है तो आपने मेरा कोई मेरी एविडेंस है, मैंने कोई जानकारी दी है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा कि नहीं सर ऐसा, बस आपका नंबर लिखा है। मैंने कहा भैया मेरा नंबर 20 साल से मेरे पास ये नंबर है, इतना मेरा पॉपुलर नंबर है, 20 साल से मेरे पास ये नंबर है। मेरे नंबर पे कोई भी आप किसी को भी फोन करेंगे क्या? मैं उनके यहाँ ऑफिस भी, जो उनके ऑफिस है वहाँ भी गया, वहाँ भी कोई उन्होंने जानकारी विशेष नहीं दी और मुझे बराबर परेशान करा जा रहा है। मैं पुलिस से भी इसकी, पुलिस के अधिकारियों से आज मैं इसकी एक FIR लेकर के दे रहा हूँ, उनसे भी कहूँगा कि मेरी इसमें हेल्प करें। मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान करा जा रहा है, लगातार धमकी आ रही है। अब कोई भी कॉल एक नए नंबर से आती है, सोशल व्यक्ति हूँ, व्यवसाय भी है मेरा, कोई भी नया नंबर आता है तो मैं कॉल बैक करता ही हूँ। अब तो कोई भी नया नंबर आता है तो यही लगता है कि उन्हीं का हो, और ऐसे तमाम नंबर मैंने कल से अब तक कॉल ब्लॉक करे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।